हेलो एवरीवन, मैं आदर्श सिंह आपका केडी ऐप पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रीजनिंग फैकल्टी आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आया हूँ सामने। और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को करने में गलतियों का सामना करना पड़ता है मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो उसी गलतियों से बचने के लिए मैंने सोचा फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही चैप्टर से उजागर कराऊं जो आपके हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी पेपर दे दो आप, मैं ये नहीं कहता सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए, आप कोई भी पेपर दे दो। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, उसमें भी आप देखना जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का पहले तो मैं नाम बताऊँ आपको। तो जो चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं सर वेन डायग्राम, जिसकी हिंदी होती है वेन आरेख। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी चैप्टर को मैं आपके सामने रखूं। तो इससे सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने कभी पेपर दिया होगा या प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देखे होंगे। एक क्वेश्चंस आता है कैट्स, डॉग्स एंड पेट्स, बिल्ली, कुत्ते एंड पालतू। ये क्वेश्चन फिगर है और इसके 4 ऑप्शन फिगर दिए होते हैं। ऑप्शन सामने हैं आपके कुछ इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरीके से एंड फोर्थ ऑप्शन कुछ इस तरीके से। तो हमें यही बताना होगा कि ये जो कैट, डॉग और पेट्स है, इसमें इन चारों में से कौन सा रिलेशन है। तो अब तक आप क्या करते होगे, सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन पावर अपना लगाते होगे कि सर हमने सोच लिया बड़ा वाला सर्कल पेट्स का, पालतू का, और इसके अंदर कुत्ते और बिल्ली अलग अलग, ऐसे ही करते होंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में अभी आ रहा होगा कि सर ये जो हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके माइंड में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, आपने सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर लिया कि सर बड़ा वाला सर्कल पेट्स का हो गया और दो अलग अलग कुत्ते और बिल्ली हो गए, तो हमने सेकंड ऑप्शन कर दिया। लेकिन सर ये आंसर सही नहीं है, इसका आंसर जो है ये थर्ड ऑप्शन सही होएगा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा क्यों है सर कि सेकंड गलत एंड थर्ड सही। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ अपने वेन डायग्राम के, तो इसमें 3 बातें आती हैं। वेन डायग्राम का जो चैप्टर है हमारे, 3 बातों पर डिपेंड होता है। और वो जो 3 चीज़ें हैं वो है, पहली जिसको आप बोलते हो ऑल का कॉन्सेप्ट कि ऑल क्या होता है सर, दूसरा होता है हमारा सम, सम का कॉन्सेप्ट कि सम क्या होता है, एंड तीसरा नो क्या होता है। पूरा चैप्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये बेसिक चीज़ें क्या हैं, ऑल, सम एंड नो। अब इनकी अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ऑल की डायग्राम की बात किया जाए तो एक सर्कल के अंदर अगर दूसरा सर्कल बना दिया, इट मीन्स ये हमारा ऑल का फिगर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं सम की बात करूँ तो 2 सर्कल एक कॉमन पॉइंट के साथ बना देना किसका डायग्राम बन के आता है, सम का। एंड नो की अगर मैं बात करूं तो 2 अलग अलग सर्कल बना देना हमारा क्या कहलाता है, नो की कंडीशन कहलाती है सर। तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो हमारा चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पे ही डिपेंड करता है। एक तो ऑल पे, जिसका डायग्राम होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरा सम पे, जिसका डायग्राम होता है 2 सर्कल एक कॉमन पॉइंट के साथ, एंड तीसरा नो पे, 2 अलग अलग सर्कल। अब बात ये आती है सर कि ऑल का डायग्राम कहाँ बनता है, सम का डायग्राम कहाँ बनता है एंड नो का डायग्राम कहाँ बनता है। तो इनके पीछे भी लॉजिक होती है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन ऑल देती हैं, कौन सी कंडीशन सम देती हैं एंड कौन सी कंडीशन नो देती हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिया सर ऑल का, कि ऑल का डायग्राम हम कहाँ बनाएंगे। तो मैंने लिखा, हमने लिखा यहाँ पे ऑल की कंडीशन पढ़नी है हमें। ऑल की हिंदी होती है, आप सबको पता होएगा, सभी। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, मैंने बताया अभी अभी, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ही बना देना क्या कहलाता है, हमारा ऑल का डायग्राम कहलाता है। अब देखो आप, ऑल का डायग्राम बनता कहाँ है और कब बनता है। मैंने फर्स्ट लिखा फ्रूट्स, फल एंड मैंगोज, फ्रूट्स एंड मैंगोज। अब आप देखो, आपने करना कुछ भी नहीं, आप सिर्फ रीडिंग लगाओगे मेरे साथ साथ रीडिंग लगाओगे। एक बार लेफ्ट हैंड साइड से रीडिंग लगाओगे एंड दूसरे बार राइट हैंड साइड से रीडिंग लगाओगे। और रीडिंग किस फॉर्म में लगाना है, तो ऑल के फॉर्म में, क्योंकि अभी हम ऑल के कैटेगरी में हैं।
तो एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड से ऑल पढ़ना है एंड दूसरी बार राइट हैंड साइड से ऑल पढ़ना है। जब हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड से ऑल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ पाएंगे? ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। एक बार फिर से पढ़ें, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। क्या सारे फल आम होते हैं? क्या हमने सही पढ़ा? गलत है ना सर। तो हमने क्या कहा, आपने एक साइड से रीडिंग लगाया जो गलत हो गया, लेकिन यही रीडिंग आप दूसरे साइड से लगाओगे, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। क्या सारे आम फल होते हैं? बिल्कुल सर, सारे फल आम होते हैं, लेकिन सारे आम फल होते हैं लेकिन सारे फल आम नहीं होते। तो हमने क्या देखा, हमने किसी भी एक साइड से ऑल पढ़ी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी एक साइड से ऑल पढ़ पा रहे होंगे तो किसका डायग्राम बन जाएगा? हमारा ऑल का। जैसा कि आपने देखा, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज तो गलत है, लेकिन ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स बिल्कुल सही। तो हमने यही बात कही कि जब आप किसी भी एक साइड से ऑल पढ़ पा रहे हो तो किसका डायग्राम बना देंगे? ऑल का। फिर सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा कार्स एंड व्हीकल्स, कार्स एंड व्हीकल्स। आपने रीडिंग लगानी है, आप रीडिंग लगा के देखो जरा, क्या आप पढ़ सकते हो ऑल कार्स आर व्हीकल्स? बिल्कुल सर सही है, लेकिन क्या आप उल्टा पढ़ पाओगे, ऑल व्हीकल्स आर कार्स? क्या सारी सवारी कार होते हैं? नहीं ना, गलत है। तो सर हमने क्या कहा, जब हम किसी भी एक साइड से अगर ऑल पढ़ पा रहे हों तो किसका डायग्राम बना देंगे? ऑल का। तो ये हमारा हो गया सर ऑल। फिर देखिए तीसरी कंडीशन, तीसरा मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर एंड चेयर। सेम वही वर्क, आपने रीडिंग लगानी है, रीडिंग लगा के देखना जरा, क्या ऑल फर्नीचर आर चेयर? क्या सारे फर्नीचर कुर्सी होते हैं? नहीं सर, लेकिन ऑल चेयर आर फर्नीचर, सारी कुर्सी फर्नीचर होती हैं। तो मैंने यही बात कही, जब आप किसी भी एक साइड से ऑल पढ़ लोगे तो किसका डायग्राम बन जाएगा? ऑल का। फिर देखो आप, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया, रेन एंड वाटर, रेन एंड वाटर। क्या पढ़ सकते हैं हम, ऑल रेन आर वाटर पढ़ा जा सकता है? क्या सारे बारिश पानी होते हैं? बिल्कुल। अगर उल्टा पढ़ने को कहूँ तो सर, क्या सारे बारिश पानी होते हैं? बिल्कुल सही सर, लेकिन क्या सारे पानी बारिश होते हैं? गलत है सर, हमने एक साइड से क्या पढ़ लिया, ऑल। और जिस भी इक्वेशन में एक साइड से अगर हमने ऑल पढ़ लिया हो तो उसमें किसका डायग्राम बना देंगे? ऑल का। फिर एक और देखो आप, एक और मैं समझा रहा, वाइफ एंड मदर, वाइफ एंड मदर। क्या आप पढ़ सकते हो ऑल वाइफ आर मदर? क्या ऑल वाइफ आर मदर सही है? क्या सारी पत्नी माँ होती हैं? नहीं ना, लेकिन सर उल्टा पढ़ के देखना, क्या ऑल मदर आर वाइफ? क्या सारी माँ पत्नी होती हैं? सोचो, क्या सारी पत्नी माँ होती हैं? नहीं, गलत है सर, लेकिन सारी माँ पत्नी होती हैं। सर माँ बनने के लिए पत्नी बनना जरूरी है। तो हमने क्या कहा, एक साइड से अगर ऑल पढ़ा तो आपने किसका डायग्राम बना के आ जाना होगा? ऑल का। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो एग्जाम्पल है हमारे सामने दिल्ली एंड इंडिया। ये देखो सर, इसमें आप ऑल नहीं पढ़ सकते किसी भी साइड से। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ऑल दिल्ली आर इंडिया, ये भी नहीं बोल सकते ऑल इंडिया आर दिल्ली, लेकिन इसमें भी ऑल का डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा? तो क्योंकि कोई भी ऐसी चीज, अगर एक चीज दूसरे चीज के अंदर आने लगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आने लगता है, तो उसमें भी हमने ऑल का डायग्राम बनाना होगा। कैसे? क्या मैं कह सकता हूँ दिल्ली इंडिया के अंदर आता है? बिल्कुल कह सकते हो सर, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ इंडिया दिल्ली के अंदर आता है? नहीं ना। तो हमने यही कहा, जब कोई भी एक चीज़ किसी दूसरे के अंदर आनी शुरू हो जाए, इसमें भी हमने किसका डायग्राम बनाना होगा? ऑल का। तो ये हमारी लॉजिक थी ऑल की। तो आप समझ पाए होंगे ऑल का डायग्राम कब बनेगा, जब हम किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड से अगर ऑल पढ़ पा रहे हो तो हमने किसका डायग्राम बनाना होगा सर? ऑल का। अब बात आती है सर, अब हमें पढ़ना है कि सम का डायग्राम कब बनता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा सम का डायग्राम कब बनेगा, तो देखो आप, सम मीन्स होता है कुछ, सम मीन्स होता है कुछ, और इसका डायग्राम बनता है दो सर्कल एक कॉमन पॉइंट के साथ, दो सर्कल एक कॉमन पॉइंट के साथ। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ओमेन एंड डॉक्टर, ओमेन एंड डॉक्टर। जरा पढ़ के बताना,
अगर मैं ऑल की बात करूं तो क्या ऑल पढ़ सकते हो आप? ऑल वोमेन आर डॉक्टर, क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं सर, गलत है। लेकिन यही अगर उल्टा पढ़ाऊं तो क्या ऑल डॉक्टर आर वोमेन, क्या सारे डॉक्टर महिलाएं होती हैं? ये भी गलत सर। तो ऑल की तो कंडीशन हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है सर, जब किसी भी एक साइड से अगर हम ऑल पढ़ पाएंगे तो किसका डायग्राम बनेगा? ऑल का। तो ऑल का तो बन नहीं पा रहा है सर, तो अब हमने किसका पढ़ना होगा? सम का। अब जैसे ही हमने सम पढ़ा, आप देख पाए होंगे, हम पढ़ेंगे सम वोमेन आर डॉक्टर। सर कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं एंड सम डॉक्टर आर वोमेन, और कुछ डॉक्टर महिलाएं होते हैं। मतलब ये सम का डायग्राम हम तब बनाएंगे जब हम दोनों साइड से सम पढ़ पा रहे हों, जब हम दोनों साइड से सम पढ़ पा रहे हों। जैसे हमने यहाँ पढ़ा सम वोमेन आर डॉक्टर, बिल्कुल सही, वैसे ही सम डॉक्टर आर वोमेन। तो दोनों साइड से जब हम सम पढ़ पा रहे होंगे तो किसका डायग्राम बन के आ जाएगा हमारे सामने? सम का। और सम का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखें सेकेंड टाइप, मैंने सेकेंड पार्ट क्या लिखा? हमने लिखा सर मैन एंड टीचर, मैंने लिखा मैन एंड टीचर। जरा रीडिंग लगाएं ऑल के फॉर्म में, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल मैन आर टीचर? क्या ऑल मैन आर टीचर बोला जा सकता है? क्या सारे आदमी शिक्षक होते हैं? नहीं ना। क्या उल्टा पढ़ें, क्या ऑल टीचर आर मैन, क्या सारे शिक्षक आदमी होते हैं? ये भी नहीं। लेकिन सर ये पढ़ा जा सकता है सम मैन आर टीचर, कुछ आदमी शिक्षक होते हैं एंड कुछ शिक्षक क्या होते हैं? आदमी होते हैं। तो मैंने यही कहा, जब आप किसी भी एक साइड से अगर सम पढ़ पा रहे हो तो आपने किसका डायग्राम बनाना होगा? सम का। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड मैंने लिखा डांसर एंड सिंगर, डांसर एंड सिंगर। क्या आप पढ़ सकते हो ऑल डांसर आर सिंगर? क्या बोला जा सकता है सर सारे डांसर सिंगर होते हैं? नहीं सर, गलत है। क्या ये पढ़ सकते हो ऑल सिंगर आर डांसर, क्या सारे सिंगर डांसर होते हैं? ये भी गलत। लेकिन सर अगर जैसे ही हमने सम पढ़ा तो हम क्या पढ़ेंगे? सम डांसर आर सिंगर एंड सम सिंगर आर डांसर। सर कुछ डांसर सिंगर होते हैं और कुछ सिंगर डांसर होते हैं, तो इसमें भी हमने किसका डायग्राम बनाना होगा? सम का। समझ आ रही होगी बात आपको। फिर देखें एक और एग्जाम्पल मैंने लिया छोटा सा, जिसको हमने कहा इंजीनियर, इंजीनियर एंड टीचर, इंजीनियर एंड टीचर। क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल इंजीनियर आर टीचर, क्या सारे इंजीनियर शिक्षक होते हैं? नहीं, गलत है सर। क्या ऑल टीचर आर इंजीनियर, क्या सारे शिक्षक इंजीनियर होते हैं? ये भी गलत है सर। लेकिन कुछ इंजीनियर शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक इंजीनियर होते हैं, तो जहाँ कहीं भी हम दोनों साइड से सम पढ़ पा रहे हों तो किसका डायग्राम बना देंगे? सम का। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की बेसिस पे समझा, तो आपको दो बातें समझ में आई होंगी। ऑल का डायग्राम तब बनेगा जब हम किसी भी एक साइड से ऑल पढ़ पा रहे हों, एंड सम का डायग्राम तब बनेगा जब हम दोनों साइड से सम पढ़ पा रहे हों। अब बात आती है सर नो की। तो नो बिल्कुल सिंपल, जब कोई भी रिलेशन ना हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ों में कोई रिलेशन ना हो, उसमें हमें किसका डायग्राम बनाना होता है? नो का। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे ये नो है सर, और नो का डायग्राम दो अलग अलग सर्कल बना दिया हमने, दो अलग अलग सर्कल बना दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसके रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा पहला मदर एंड फादर, हमने लिखा पहला मदर एंड फादर। आप क्या पढ़ सकते हो ऑल मदर आर फादर, क्या पढ़ा जा सकता है ऑल मदर आर फादर? नहीं ना सर। क्या उल्टा पढ़ सकते हो ऑल फादर आर मदर, ये भी नहीं पढ़ेंगे। क्या सम मदर आर फादर पढ़ सकते हो? नहीं, ये भी गलत। क्या सम फादर आर मदर पढ़ सकते हो? सर ये भी गलत। मतलब सर ना ही हम ऑल पढ़ पाएँ ना ही हम सम पढ़ पाएँ, तो इसमें किसका डायग्राम बन जाएगा हमारा? नो का। वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूँ कैट और डॉग्स, सर सेम वही कंडीशन, हम ये नहीं कह सकते ऑल कैट आर डॉग या ऑल डॉग आर कैट या सम कैट आर डॉग या सम डॉग आर कैट। तो जहाँ कहीं भी ऑल या सम ना लगे वहाँ पे क्या लगा देना होगा? हमें नो लगाना होगा। एक और एग्जांपल मैं दे दूँ तो मैंने लिखा ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। सर इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इनका जेंडर ही अलग है, तो कैसे हम सारे भाई को बहन बना देंगे या सारे बहन को भाई बना देंगे? तो इसलिए इसमें हमने डायरेक्टली किसका डायग्राम बना देना होगा? नो का। तो ये थी सर इनके पीछे की लॉजिक कि कहाँ पे ऑल यूज होता है, कहाँ पे सम होता है, कहाँ पे नो होता है। तो मैंने आपको समझाया, आप जब एक साइड से किसी भी एक साइड से अगर ऑल पढ़ पा रहे होगे तो ऑल का डायग्राम बनाओगे, किसी भी दो साइड से, मीन्स किसी भी दो साइड से, क्या दो ही साइडें होती हैं, अगर आप दोनों साइड से सम पढ़ पा रहे होगे तो सम का डायग्राम बनाओगे, एंड जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ में तो आप नो का डायग्राम बनाओगे। समझ आ गई होंगी बातें आपको। अब देखो सर जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें हमने फोर ऑप्शन दिए हैं,
हैं आपको, इसको हम बोलते हैं वेन आरेख, यही हमारा वेन डायग्राम होता है। इस चैप्टर में, हमारे वेन डायग्राम चैप्टर में इस तरीके के टोटल 10 वेन डायग्राम यूज होते हैं, टोटल 10 वेन डायग्राम होते हैं। अगर मैं 10 के 10 को आपको समझा दूँ तो आप विदाउट पेन आप इसका आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। जैसा अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 10 के 10 वेन डायग्राम को आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद आप खुद बताओगे सर कि इसका आंसर थर्ड क्यों सही होगा। आप आंसर देख के बताओगे अपने 10 वेन डायग्राम से, ठीक है। तो मैं अपने 10 वेन डायग्राम को आप बनाता हूँ, 10 वेन डायग्राम को मैं आपके सामने बनाता हूँ। देखें आप, फर्स्ट हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट डायग्राम। सेकंड हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। थर्ड कुछ इस तरीके से आता है हमारे सामने। फोर्थ कुछ इस तरीके से एंड फिफ्थ कुछ इस तरीके से। फिर देखिए सिक्स्थ की मैं बात करूं, सेवेंथ, सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। अब हमें सीखना है कि ये जो 10 वेन डायग्राम होते हैं ये मीनिंग कैसा देते हैं। तो आपको मैंने जो सिखाया है आप अभी अभी, ये उसी का यूज करोगे, सिर्फ आप पहचान करोगे। जैसे मैंने ऑल का डायग्राम आपको कैसे बताया था, सर अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना दो तो ऑल का डायग्राम बन जाता है। सम का डायग्राम दो सर्कल एक कॉमन पॉइंट के साथ बना दो तो सम का डायग्राम हो जाता है। एंड नो का डायग्राम दो अलग अलग सर्कल बना दो तो नो का हो जाता है। तो आप कहीं भी अगर इस तरीके से फिगर आ जाएंगे तो आप पहचान करना तो सीख गए होंगे कि सर ऑल का डायग्राम कैसे दिखेगा। सर्कल के अंदर सर्कल दिखा तो आप कहोगे मेरे से ऑल का है। दो सर्कल कॉमन पॉइंट के साथ दिख गया कहोगे सम का है। दो अलग अलग सर्कल दिख गया आप कहोगे नो का है। सिर्फ इसी तीन बातों का यूज करना है और इसी तीन चीजों का आपको पहचान करना है इस डायग्राम के अंदर। तो आप देखो, अगर मैंने पूछा आपसे कि ये है हमारा एक्स, ये है वाई एंड ये है जेड, अगर मैं पूछूं एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, ऑल का है सम का है या नो का है, तो आप मेरे से क्या कहोगे सर कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल एक्स और वाई में सर ऑल का है। वैसे ही वाई और जेड में कैसा है, ये भी ऑल का है। एंड एक्स एंड जेड में कैसा है सर, ये भी ऑल का है। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में तीन ऑल आ जाएंगे तो हमें अपने डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाना होगा। फिर देखें, फिर हमने लिखा एक्स वाई एंड जेड, फिर मैं पूछूं एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे सर सम का है। वैसे ही वाई एंड जेड में कैसा है, तो आप कहोगे सर सम का है। वैसे ही एक्स एंड जेड में कैसा है, तो आप कहोगे सर सर्कल के दो सर्कल कॉमन पॉइंट के साथ हैं तो सम का है। तो जब तीन सम आ जाएंगे तो हमें अपने डायग्राम को इस तरीके से यूज करना है। फिर देखें एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन, नो। वाई एंड जेड में कैसा रिलेशन, नो। एंड एक्स एंड जेड में कैसा रिलेशन, तो नो। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में तीन नो आ जाए तो हमें अपने डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाना है। फिर देखें एक्स वाई एंड जेड, x एंड y में पूछूं तो आप क्या कहोगे सर सम का रिलेशन। y एंड z में पूछूं तो सर ये भी सम का रिलेशन। एंड x एंड z में देखूं तो ये हमारा नो का रिलेशन। तो जब दो सम एक नो आ जाए तो हमें अपने डायग्राम को इस तरीके से बनाना है। फिर देखिए x y एंड z, x एंड y में कैसा रिलेशन, तो सर ऑल का है। x एंड z में कैसा, सर ये भी ऑल का है। लेकिन y एंड z में कैसा, दो अलग अलग सर्कल तो कैसा है नो का। तो दो ऑल एक नो आ जाए तो हमें अपने डायग्राम को इस तरीके से बनाना है। फिर देखिए इसकी डिस्कस करूं मैं इसको, तो ये x y एंड z, x एंड y में कैसा रिलेशन दिख रहा है, तो सर ऑल का। x एंड z में कैसा दिखा, तो सर नो का, अलग अलग है। y एंड z में कैसा, ये भी नो का। तो सर दो नो एक ऑल आ जाए तो हमें इस तरीके से डायग्राम बना देना होगा। फिर देखें एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन, तो ऑल का। एक्स एंड जेड में कैसा, तो सम का। एंड वाई एंड जेड में कैसा, तो नो का। जब एक ऑल एक सम एक नो आ जाए तो इस तरीके से डायग्राम। फिर देखिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन, ऑल का। वाई एंड जेड में कैसा, सम का। एंड एक्स एंड जेड में कैसा, तो सम का। जब दो सम एक ऑल आ जाए तो हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है। फिर देखो आप एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन, ऑल का। एक्स एंड जेड में कैसा, ऑल का। एंड वाई एंड जेड में कैसा, तो सम का। जब दो ऑल एक सम आ जाए तो हमें अपने डायग्राम को इस तरीके से बनाना है। फिर देखें आप एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन है, तो सम का है।
एक्स एंड जेड में कैसा, नो का, एंड वाई एंड जेड में कैसा, ये भी नो का। तो जब दो नो एक सम आ जाए तो इस तरीके से। तो ये हमारे पास 10 डायग्राम थी जिसकी हमने मीनिंग समझी है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपने इसकी मीनिंग तो समझ ली होगी। अब इसी के हेल्प से आप देखो इसको बताओगे कि सर इसका आंसर थर्ड कैसे आएगा। आप देखना मैंने आपको सिखाया है ये सर एक्स वाई एंड जेड, तीन ऑब्जेक्ट के बारे में सिखाया, तो वही तीन ऑब्जेक्ट यहाँ भी हमारे यूज होंगे। ये हमारा क्या है, एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। सबसे पहले मैंने आपको रिलेशन किस में निकालना सिखाया था, एक्स एंड वाई में। बताओ तो अगर मैं एक्स और वाई में आपसे पूछूं तो ऑल का डायग्राम बनेगा, सम का बनेगा या नो का बनेगा। तो सर हम पढ़ना सीख लें तो क्या पढ़ेंगे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, गलत। क्या ऑल डॉग्स आर कैट्स पढ़ सकते हैं, ये भी गलत। सर ये भी नहीं पढ़ सकते, कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते होते हैं। तो सर इसमें इनके बीच कैसा रिलेशन आएगा, तो नो का आ गया। फिर देखें डॉग और पेट्स की अगर मैं बात करूं, फिर से इन दोनों में रिलेशन निकालो आप, तो क्या बोल सकते हो ऑल डॉग्स आर पेट्स, क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं, गलत। लेकिन सर क्या उल्टा पढ़ सकते हो, ऑल पेट्स आर डॉग्स, क्या सारे पालतू कुत्ते होते हैं, ये भी गलत। तो सर ऑल का तो डायग्राम बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने किसी भी एक साइड से ऑल नहीं पढ़ पाया। अब हमें क्या पढ़ना होगा, सम, तो हम पढ़ सकते हैं सम डॉग्स आर पेट्स, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ पालतू कुत्ते होते हैं। तो हमने दोनों साइड से सम पढ़ लिया, तो किसका डायग्राम बनाना होगा हमें, सम का, ठीक यही कंडीशन। फिर कैट और पेट्स में पढ़ो आप, तो क्या पढ़ोगे, सम कैट्स आर पेट्स एंड सम पेट्स आर कैट। तो सर इसमें भी कैसा रिलेशन आया, सम का। तो आप देख पा रहे होगे इसमें कितने सम हो गए, दो सम और एक नो, दो सम और एक नो। अब आप सोच रहे होगे सर क्या ये हमें 10 के 10 वेन डायग्राम रटने होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप समझ चुके होगे कौन सा डायग्राम कैसी मीनिंग देता है, आप उसी का यूज करो। अगर मैं पूछूं एक्स और वाई में कैसा रिलेशन, तो आप देख के बोलोगे सर ऑल का। क्या हमें आंसर के लिए ऑल चाहिए, नहीं चाहिए सर, हमें तो दो सम एक नो चाहिए, गलत हो गया। क्या हमें आंसर के लिए एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन चाहिए, गलत हो गया सर। क्या आंसर में एक्स वाई के लिए नो चाहिए, बिल्कुल सर एक नो चाहिए। क्या वाई और जेड में नो चाहिए, नहीं सर दो नो तो चाहिए नहीं, गलत हो गया। आंसर क्या बचा, थर्ड। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप अपने आप क्वेश्चंस को करोगे, अब तक जो आप एज्यूम कर लेते थे कि सर कुत्ते ये हो गए बिल्ली ये हो गए, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को नहीं करना। अब आपके सामने मैंने लॉजिक दिया, इसी लॉजिक से आप क्वेश्चंस को कुछ करोगे। अब आप देखो मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं, और फिर जब अपनी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें मैं और सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये तो जस्ट डेमो वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है कि हमारे पास कंटेंट जो है वो आपको मार्केट से अच्छे कंटेंट के रूप में आपको मैं दे पाऊँ। अब आप देखो अगर मैं और सारी चीज़ों की बात करूँ तो मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, सेम यही एक एग्जांपल लेता हूँ, कैट्स डॉग्स एंड एनिमल्स। इसमें आपको रिलेशन बताना है, आप भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ, जब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ तब तक आप भी बता सकते हो मुझे। फिर मैंने लिखा दूसरा, शर्ट पैंट टाई, थर्ड लिखा मैंने वुमेन वाइफ, वुमेन वाइफ एंड मदर। फोर्थ है हमारे पास एग्जाम्पल, जज थेप, जज थेप एंड क्रिमिनल। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल मैं ले रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एटम। ये 5 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब इसको करने का तरीका आपको मैंने सिखा ही रखा है, कैसे करोगे आप। तो सर सबसे पहले आप एक्स और वाई में रिलेशन निकालोगे, बताओ कैट और डॉग में कैसा रिश्ता है। तो सर कैट और डॉग दोनों अलग अलग होते हैं, तो नो का हो गया। डॉग और एनिमल में देखा जाए तो हमने पढ़ना सीखा है, तो क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल डॉग आर एनिमल, बिल्कुल सर सारे कुत्ते जानवर होते हैं। लेकिन क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल एनिमल आर डॉग, सर सारे कुत्ते तो जानवर होते हैं लेकिन क्या सारे जानवर कुत्ते होते हैं, नहीं ना। तो हमने ऑल का डायग्राम कब बनाना सीखा था, जब हम किसी भी एक साइड से अगर ऑल पढ़ पा रहे हों तो हमें ऑल का डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ हमने एक साइड से ऑल पढ़ लिया, तो ये हमारा आंसर आएगा ऑल में। फिर देखें कैट और एनिमल, क्या हम बोल सकते हैं ऑल कैट्स आर एनिमल, बिल्कुल सर सारी बिल्ली जानवर होती हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सारे जानवर बिल्ली होते हैं। इसलिए हमने एक साइड से अगर ऑल पढ़ लिया तो किसका डायग्राम बनेगा,
ऑल का। अब बताओ आपके पास कितने ऑल हैं? दो ऑल एक नौ, आप जरा डायग्राम देख के बताना मुझे, दो ऑल एक नौ कौन सा डायग्राम दे रहा है? तो डायग्राम नंबर 5 देखो, दो ऑल एक नौ कैसा डायग्राम बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से। तो अब आपने सीखा होगा कि सर किस तरीके से हम लॉजिकल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे इसको पूछूं तो क्या शर्ट एंड पैंट में कोई रिलेशन है? सर दोनों अलग अलग है, सर हम बोल ही नहीं सकते ऑल शर्ट आर पैंट या ऑल पैंट आर शर्ट या सम शर्ट आर पैंट या सम पैंट आर शर्ट, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये नो का। सेम इसी तरीके से पैंट एंड टाई में भी क्या है सर? नो का। वैसे ही शर्ट एंड टाई में भी सर नो का। तो जब तीन नो आ जाए तो मैंने आपको डायग्राम नंबर कैसा यूज कराया सर? थर्ड देखो आप जरा, कुछ इस तरीके से तीन नो के लिए। फिर देखो वाइफ वुमेन, वाइफ एंड मदर, पढ़ के बताओ क्या ऑल वाइफ आर ऑल वुमेन आर वाइफ, क्या सारी महिलाएं पत्नी होती हैं? नहीं, गलत है सर, लेकिन सारी पत्नी महिलाएं होती हैं। तो मैंने यही तो सिखाया था, जब आप किसी भी एक साइड से अगर ऑल पढ़ पा रहे होंगे तो किसका डायग्राम बना देंगे? ऑल का। तो हमने पढ़ा सर ऑल वुमेन आर वाइफ तो गलत है, लेकिन ऑल वाइफ आर वुमेन बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं वाइफ एंड मदर के रिलेशन पूछूं तो क्या पढ़ पाओगे ऑल वाइफ आर मदर, क्या सारी पत्नी माँ होती हैं? बोलो सर, क्या सारी पत्नी माँ होती हैं? नहीं ना सर, सारी पत्नी तो माँ नहीं होती, लेकिन ऑल मदर आर वाइफ, लेकिन सारी माँ क्या होती हैं? पत्नी होती हैं। तो इसमें भी आपको कैसा रिलेशन बनाना होगा? ऑल का। फिर बताओ वुमेन एंड मदर, क्या ऑल वुमेन आर मदर, क्या सारी महिलाएं माँ होती हैं? नहीं, लेकिन सर सारी माँ क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो हमने एक साइड से ऑल पढ़ लिया तो किसका डायग्राम बनेगा? ऑल का। अब देखो क्वेश्चन में कितने ऑल आ गए? तीन, और तीन ऑल के लिए आप देख पा रहे होगे डायग्राम नंबर फर्स्ट मैंने आपसे यूज कराया है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा सर? कुछ इस तरीके से बना दोगे आप। फिर देखो जज थिप एंड क्रिमिनल, क्या हम बोल सकते हैं ऑल जज आर थिप, क्या सारे जज चोर होते हैं? सर अगर जज चोर हो जाएंगे तो जज कैसे कहलाएंगे? वैसे ही क्या ऑल थिप आर जज, ये भी गलत है। नहीं सर, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि इन दोनों का प्रोफेशन ही अलग है। तो मैंने यही तो कहा था, जब किसी में कोई रिलेशन ही ना आए तो उसके बीच कैसा रिलेशन बनेगा सर? नो का। ठीक इसी तरीके से जरा पढ़ना, क्या ऑल थिप आर क्रिमिनल, क्या सारे चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल सर, चोर अपराधी होते हैं, लेकिन क्या ऑल क्रिमिनल आर थिप, क्या सारे अपराधी चोर होते हैं? नहीं ना सर, क्यों? क्योंकि अपराधी में तो सब आ जाते हैं, जो मर्डर करते हैं वो भी तो अपराधी हैं, तो क्या हम उन्हें चोर बोलेंगे? नहीं। तो वही मैंने कहा ऑल थिप आर क्रिमिनल तो सही है, लेकिन ऑल क्रिमिनल आर थिप सही नहीं है। तो ऑल का डायग्राम आप तब बनाते हैं जब आप किसी भी एक साइड से क्या पढ़ पा रहे हो, ऑल, जैसा आपने पढ़ा ऑल थिप आर क्रिमिनल बट ऑल क्रिमिनल आर नॉट थिप, समझ आ गया होगा। फिर देखो जज और क्रिमिनल में, सर जज क्रिमिनल कैसे बन सकता है, इसमें भी कैसा डायग्राम बनेगा? नो का। तो हमने देखा दो नो एक ऑल के लिए, आप देखो डायग्राम नंबर 6 मैंने यूज कराया होगा दो नो एक ऑल के लिए, तो हमें कैसा डायग्राम बनाना होगा? तो सर अब आप कुछ इस तरीके से बना देना, दो ऑल, दो नो एक ऑल, तो हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया। फिर देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एटम, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कोई कोई रिलेशन है? क्या हम बोलेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन? नहीं ना। क्या ऑल प्रोटॉन आर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें आ गया नो का। लेकिन हम बोल सकते हैं ऑल प्रोटॉन आर एटम, क्योंकि एटम के अंदर से तीन चीज़ें निकलती हैं, आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितने भी प्रोटॉन होंगे वो एटम तो कहलाएंगे ही, तो इसलिए मैंने कहा ऑल प्रोटॉन आर एटम लेकिन ऑल एटम आर नॉट प्रोटॉन। तो हमने एक साइड से ऑल पढ़ लिया तो किसका डायग्राम बनेगा? ऑल का। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड एटम में भी कैसा डायग्राम बनेगा? ऑल का। तो हमारे पास दो ऑल एक नो आ गया, दो ऑल एक नो आ गया, तो डायग्राम नंबर 5 जैसा हमें बनाना होगा। तो ये है हमारे पास कुछ लॉजिक्स। अब क्वेश्चंस जो आते हैं आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे हमेशा, तीन तीन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को सही ढंग से कर पाओगे, क्योंकि आप कोई भी पेपर दे दो ये इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं हमारे सीजीएल में, एसएससी के कोई भी पेपर में, और एनटीपीसी भी आ रहा है आपका, आरआरबी जेईई भी आ रहा है, हर एग्जामिनेशन में आप देखोगे सर एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का वेन डायग्राम का। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। हमारा सेकेंड पार्ट इसके टाइप टू की अगर मैं बात करूँ तो टाइप सेकेंड क्वेश्चंस आता है कुछ इस तरीके से। अब देखो, अब हम टाइप टू डिस्कस करेंगे। ये लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, तो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं बता रहा, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो एक क्लास है जिसमें इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट जो हैं 30% हैं, क्लास में इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट 30%
एंड क्लास में उसी क्लास में हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 80% हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश, एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले स्टूडेंट 10% हैं। तो आपको बताना है कि उस क्लास में ओनली इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं एंड ओनली हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो देखो, अगर इस चैप्टर के बेस की मैं बात करूँ तो ये चैप्टर हमारा, अगर आपने 11th क्लास में सेट्स थ्योरी एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैथ्स अगर बैकग्राउंड आपका होगा तो ये सेट्स का चैप्टर होता है, और उसमें क्वेश्चंस इसी वे में पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमने 11th पढ़ा है अच्छे से तो हमें याद भी होगा कि उसमें एक फॉर्मूला यूज होता था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हुआ करता था। खैर, ये तो हमारी पुरानी बातें हैं। अब हमें इस क्वेश्चंस को उस फॉर्मूले से हट के सॉल्व करना है, और किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम वेन आरएफ की हेल्प से। अब ये हेल्प कैसे लिया जाएगा, तो आप देखो, जैसे अब हमें करना क्या, दो सब्जेक्ट है ना, तो आपने दो सर्कल बनाना होगा सबसे पहले, दो सब्जेक्ट तो दो सर्कल, और इसमें एक कॉमन पॉइंट भी बनाओगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए कॉमन भी तो है। तो हमने क्या कहा, दो सर्कल बनाओ आप एक कॉमन पॉइंट के साथ, हमने बना दिया। अब देखो, एक सर्कल को दे दो इंग्लिश का सर्कल है सर, और दूसरे सर्कल को दे दो हिंदी का सर्कल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा और हमेशा नीचे से करोगे, नीचे इन द सेंस जो लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वहां से शुरू करोगे। ऐसा क्यों कह रहा मैं, क्योंकि अभी तो यहां पे दो लैंग्वेज है तो हमारे पास स्टेटमेंट तीन है, लेकिन जहां भी स्टेटमेंट तीन आ जाएंगी, मीन्स तीन लैंग्वेज आ जाएंगे, वहां पर स्टेटमेंट 7 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आप हमेशा और हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करोगे, नीचे से। अब बताओ नीचे की पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो सर पहली इंफॉर्मेशन ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले 10% हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले 10% है। तो आप बताओ इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, सर दोनों का कॉमन पॉइंट हमें दिख रहा है ये, तो यहां पे हमने कितना पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, समझ आया। फिर देखिए, फिर हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कितने हैं हमारे, 80%, हिंदी का कॉलम यही तो है हमारा पूरा पूरा, सर ये है हिंदी का कॉलम पूरा पूरा। अब बताओ हिंदी में टोटल 80% चाहिए, और पहले से कितने दिख रहे हैं आपको इस कॉलम में, सर सर 10 दिख रहे हैं, तो कितने बच गए, तो यहाँ पे लिख दिया जाए सर 80 माइनस 10 70। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में टोटल 30 चाहिए, अब इंग्लिश का कॉलम ये है पूरा पूरा सर कॉलम, ये देखो जा रहा है, तो पूरा हमें 30% चाहिए, और पहले से 10 हैं तो कितने बच गए हमारे पास, 20, तो ये हो गया हमारे पास 20। अब बताओ आप मुझे, हमने आपसे पूछा ओनली इंग्लिश तो क्या आंसर दोगे, 20, ओनली हिंदी क्या आंसर दोगे, 70, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आ गया होगा आपने, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो ये था हमारे पास दो सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम करते हैं, जब तीन लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप किस तरीके से करोगे। देखो क्वेश्चन को, तीन लैंग्वेज के क्वेश्चन को कैसे करना होगा, देखिए पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, इंग्लिश पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 30 हैं, मैथ्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 50 हैं, एंड रीजनिंग पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 80 हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 11 है, मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट के जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं वो हैं 8। फिर देखें इंग्लिश एंड रीजनिंग पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो टोटल हैं हमारे पास 14, और तीनों पढ़ने वाले इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं हमारे पास 3। आपसे वही क्वेश्चन पूछा सेम, बताओ ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, ओनली रीजनिंग पढ़ने वाले कितने हैं, एंड इसके साथ साथ ही बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इसके साथ साथ बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब आप देखो सर इसको कैसे करोगे, अब आपके सामने कितने सर्कल बनाने की नीड हो जाएंगे सर, 3 सर्कल। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब 3 सब्जेक्ट हैं तो हमें 3 सर्कल तो बनाने ही होंगे सर, लेकिन 3 सर्कल कितने कॉमन पॉइंट के साथ बनाओगे, तो 1 कॉमन 2 कॉमन एंड 3 कॉमन, मतलब सर हमें 3 सर्कल अब बनाने होंगे 3 कॉमन पॉइंट के साथ। तो हमने 3 सर्कल 3 कॉमन पॉइंट के साथ बनाना, तो फर्स्ट सर्कल मैंने बनाया, सेकंड बनाया कुछ इस तरीके से, एंड थर्ड हमारा ये हो गया, ये हमारे पास 3 सर्कल हो गए। अब ये हमारा जो सर्कल है ये किसका किसका बना होगा सर, एक तो इंग्लिश का होगा,
दूसरा मैथ्स का होगा एंड तीसरा रीजनिंग का होगा। अब देखिए, अब इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से करनी होगी, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया। तो सर हमेशा नीचे से शुरू करोगे, लास्ट इन्फॉर्मेशन से नीचे से ऊपर की ओर जाओगे। तो बताओ सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग के कितने? तीन। इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग के तीन। बताओ तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है? क्या ये तीनों का कॉमन पॉइंट है? नहीं है सर, क्योंकि ये तो इंग्लिश और मैथ ही आ रहे हैं। क्या ये कॉमन पॉइंट है? ये भी नहीं है सर। क्या ये है? नहीं। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है? ये वाला। तो सर इस कॉमन में हमने कितनी वैल्यू को पुट कर देना है? थ्री को। तो हमने यहाँ लिख दिया थ्री। फिर बताएं इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए कितने चाहिए टोटल? 14। इंग्लिश एंड रीजनिंग का कॉमन पॉइंट कौन है सर? यहाँ पे। और इस कॉलम में टोटल कितने चाहिए? 14। और पहले से कितने हैं आप देखो, ये रीजनिंग है, रीजनिंग ये, इंग्लिश ये, इसका कॉमन ये, पहले से कितने हैं सर इस कॉमन पॉइंट में? तीन यहाँ हैं। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 14 माइनस थ्री कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? 11। फिर देखो मैथ्स और रीजनिंग में टोटल 8 चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग का कॉलम ये है, मैथ्स और रीजनिंग का कॉलम ये है, इसमें टोटल चाहिए 8। लेकिन पहले से कितने दिख रहे हैं आपको सर? देखो 3, कितने बच गए? 5। तो हमने अपने तीन नंबर का यूज किया। फिर बताओ इंग्लिश और मैथ में टोटल 11। इंग्लिश और मैथ का कॉमन पॉइंट ये, इसमें टोटल चाहिए 11। आप देखो पहले से कितने हैं यहाँ पे? पहले से सर इस पूरे पूरे कॉलम में 3 हैं। तो 11 माइनस 3 कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। फिर देखें आप इंग्लिश रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 80। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 रीजनिंग में। अब रीजनिंग का कॉलम ये है हमारे पास सर, पूरा सर्कल ये रीजनिंग का है। टोटल 80 चाहिए, पहले से कितने? 11 प्लस 3 14 प्लस 5 19। तो 18 माइनस 19 हम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 61। फिर बताओ 50 चाहिए मैथ्स में। मैथ्स में पहले से कॉलम में कितने बैठे हैं? तो 8 और 3 11, 11 प्लस 5 16। तो 50 माइनस 16 कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? 34। ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट कितने? 30। अब इंग्लिश वाले कॉलम में टोटल कितने बन रखे हैं पहले से? तो 8 और 3 11, 11 और 11 22। टोटल 30 चाहिए और पहले से 22 हैं सर, तो कितने बच गए? 8 बच गए। अब आपसे पूछा बताओ ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश आपको दिख रहा होगा कितना? 8। ओनली मैथ कितना? 34। ओनली रीजनिंग कितना सर? 61। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है? 61 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 34, यही तो करेंगे सर। ऐसा नहीं करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे करने पे। आप इसमें क्या करो, सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ा वाला सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ा वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है सर? रीजनिंग वाले बंदे हैं जो सबसे बड़े हैं, मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रीजनिंग के हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर ये जो रीजनिंग का कॉलम है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पहले से ही फिक्स हो गए 80 के। ये तो टोटल 80 तो हो ही गए सर, क्योंकि यही तो रीजनिंग का कॉलम है और रीजनिंग के कॉलम में टोटल कितने हो गए? 80। तो इन्हें हमें काउंट नहीं करना होगा, क्योंकि हमें पता चल गया सर, क्योंकि ये 80 यहाँ है तो इसमें भी टोटल 80 ही होंगे। अब इसे आप भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, अब सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ लो। अब देखो 34 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा? 42। 42 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा? 50। तो ये टोटल 80 एंड ऊपर 50, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास? 132। ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ पाए हुआ? अब एक एक करके सबको नहीं ऐड करोगे सर, 61 प्लस 5 ऐड किया 66 हो गया, फिर 66 प्लस 3 ऐड किया हमारे पास 69 हो गया, फिर प्लस 11, टाइम लगेगा। इसलिए हमने क्या कहा, जो बड़ा वाला सर्कल है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा हैं, उसको आप एक अलग किनारे कर लो, क्योंकि ये तो हमारे पास 80 हो ही गए पूरे पूरे। अब यही तो नंबर बच गए, और जब ऊपर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे? 132। ये था हमारे चैप्टर का सेकंड टाइप। अब आप देखो इसका एक थर्ड टाइप भी बन के आता है, और थर्ड टाइप में आपके सामने पहले ही वेन आरेख बना होगा। वेन आरेख कैसा बना होगा, तो देखो छोटा सा क्वेश्चन से मान लो पेपर ने ये दिया कि इसमें जहाँ कहीं भी रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल हमारे इंजीनियर को डिनोट करेगा, ट्रायंगल हमारे आर्किटेक्ट को डिनोट करेगा, एंड सर्कल जो होगा हमारा ये डॉक्टर को डिनोट करेगा। और आपके सामने एक फिगर बना के दे दिया क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने आपके सामने एक फिगर बनाया कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ है 12, 15, 14, 5, 3, 6, ये क्वेश्चंस हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, हाउ मैनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर ओनली इंजीनियर। एंड सेम इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर इंजीनियर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मैनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर ओनली इंजीनियर। सिर्फ एक टर्म का फर्क है सर, इसमें ओनली लगा है एंड इसमें ओनली नहीं लगा है, और यही एक ओनली का ही की वजह से हमारे आंसर में डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा देखना जरा। मैंने क्या कहा, यह रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है, इंजीनियर को, यहां लिख दो इंजीनियर। ट्रायंगल किसको, आर्किटेक्ट को, यहां लिख दो आर्किटेक्ट। डॉक्टर सर्कल डॉक्टर को डिनोट कर रहा है, यहां लिखो डॉक्टर। मैंने कहा हाउ मैनी आर्किटेक्ट आर देयर, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं, मीन्स ऐसे कितने मेंबर जो ट्रायंगल में हैं जो केवल और केवल इंजीनियर हैं। हाउ मैनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर ओनली इंजीनियर, मतलब सर ट्रायंगल में पर्सन होने चाहिए जिसके साथ वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर के कॉलम में हो। हमें सर डॉक्टर वाले कॉलम वाले नहीं चाहिए, हमें आर्किटेक्ट चाहिए जो केवल इंजीनियर हो। तो आप देखो ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर के कॉलम में आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सर जो ये ट्रायंगल का मेंबर है, एक सिर्फ यही एक 5 मेंबर हैं जो किस में लाई कर रहा है, हमारे रेक्टेंगल में, जो इंजीनियर के कॉलम को दर्शा रहा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन यही पूछा, हाउ मेनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर ओनली इंजीनियर, तो केवल और केवल इंजीनियर की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 5। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी आर्किटेक्ट आर देयर डेट आर इंजीनियर, सर ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। अब केवल इंजीनियर की बात नहीं बोली, अब इंजीनियर पूछा है आपसे, तो देखो आर्किटेक्ट के साथ साथ वो इंजीनियर होने चाहिए। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंजीनियर के साथ डॉक्टर भी हो या कुछ भी हो, सिर्फ इंजीनियर होंगे। तो आप देख लो जरा, आर्किटेक्ट के साथ सर ये 5 तो इंजीनियर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर, और फिर सर ये जो 3 है ना, ये आर्किटेक्ट भी हैं और क्या है, इंजीनियर भी हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा कि डेट आर इंजीनियर, तो 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 5+3 आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ओनली जहां आएगा तो वहां केवल और केवल लोगे, और जहां ओनली नहीं आएगा वहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लोगे। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन में एक और पूछूं कि हाउ मैनी ओनली डॉक्टर आर देयर, हाउ मैनी ओनली डॉक्टर आर देयर, ऐसे कितने मेंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऐसे पर्सन जो सिर्फ सर्कल में आ रहे हों, किसी दूसरे पॉइंट से लाई नहीं कर रहे हों। तो आप क्या कहोगे सर, ये जो 12 वाला पर्सन है ना, यही सिर्फ हमारा क्या है, डॉक्टर है, ओनली डॉक्टर है। फिर आपसे पूछा जाएगा, यही सेम क्वेश्चन में पूछ दूँ कि हाउ मैनी डॉक्टर आर देयर डेट आर ओनली आर्किटेक्ट, हाउ मैनी डॉक्टर आर देयर डेट आर ओनली आर्किटेक्ट, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल और केवल आर्किटेक्ट हैं। तो सर देखो ऐसे डॉक्टर जो किसमें लाई करें, आर्किटेक्ट का मतलब ट्रायंगल में। तो देखो ये डॉक्टर सर्कल और एक यही तो एक पर्सन है जो डॉक्टर के साथ साथ किसमें है, आर्किटेक्ट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली आर्किटेक्ट के लिए, 6 हो जाएगा। तो समझ गए होगे आप, बेसिक सा क्वेश्चन था कि जहां कहीं भी ओनली आएगा तो ओनली मीन्स क्या होगा, एंड जहां कहीं भी ओनली नहीं आएगा तो इट मीन्स उस पूरे सर्कल को लेना होगा, पूरे मेंबर को लेना होगा। ठीक है, फिर यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।